बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है कि हम कभी भी उसके चार टुकड़े कर सकते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ये बात भी अच्छी तरह जानता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं था। जवाहरलाल नेहरू की गलत पॉलिसी के सबब यह सब हुआ। उन्होंने आगे कहा कि सिंध हो या बलूचिस्तान, ये सब के सब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर एक दफा हिंदुस्तान के मंसूबे में तब्दीली आई और हिंदुस्तान इन लोगों की मदद करता है तो फिर पाकिस्तान में पंजाब के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में आलमी बिरादरी का जो मूड है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। चाइना बड़ी बड़ी बातें तो कर सकता है मगर पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि 1965, 1971 और 1999 में चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था क्योंकि खुद चीन पाकिस्तान के दहशतगर्दों से परेशान है और इसीलिए पाकिस्तान आज तन्हा खड़ा है। चार टुकड़ा कर सकते हैं वो जानते हैं, वो खुद जानते हैं कि बलूची उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं था और उसको जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रद्रोह काम का करके उन्होंने बेच दिया इसको बलूची को। सिंध, पख्तूनिस, ये सारे तो अलग होने चाहते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जानता है कि एक दिन भारत की जो नीति बदल जाए और इनको समर्थन करनी हो तो पाकिस्तान का तो रह गया फिर वेस्ट पाकिस्तानी वेस्ट पंजाबी रह जाएगा, तो इसीलिए डरे हुए हैं और पिटेंगे। और अभी मूड जो है इंटरनेशनल वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है और चाइना भी भाषण देगा, बड़ी सख्त बोलेगा, पर हस्तक्षेप अब पिछले बार तीन बारों में नहीं किया, 65 में नहीं किया, चाइना हस्तक्षेप नहीं किया, 71 में नहीं किया, 99 में नहीं किया, क्यों नहीं किया? और सब बड़ी जोशीला और गर्म गर्म भाषण दिया उन्होंने, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारी बकरी को वापस कर दो, ऐसी बातें कही, परंतु आखिर में किया नहीं।